हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं हुंडई वेरना 2024 फेसलिफ्ट के बारे में। कार का डिजाइन ओवरऑल अगर बात करेंगे तो काफी बढ़िया और काफी फ्यूचरिस्टिक हमें कार देखने को मिल जाती है। सारी डिटेल्स इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए। कार की प्राइस की बात करेंगे तो एक शोरूम प्राइस 11 लाख से लेके 17.38 लाख तक का हमें देखने को मिल जाता है। इंजन जो है हमें इसमें देखने को मिलेगा 1482 सीसी से लेके ऑलमोस्ट 1497 सीसी का। माइलेज हमें इसमें देखने को मिलता है 18.06 से लेके ऑलमोस्ट 20.06 kmpl का। फ्यूल टाइप इसका रहेगा पेट्रोल का। कीलेस एंट्री हमें इसमें देखने को मिलती है। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो 0 से 100 तक स्पीड जो है इसके अंदर हमें 8.95 सेकंड्स के अंदर जो है कार जो है इसको पकड़ लेती है। फ्रंट ब्रेक की बात करेंगे तो डिस्क हमें देखने को मिलेंगे। रेयर ब्रेक भी जो है हमें यहां पे इसका डिस्क में देखने को मिलेगा। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में कार हमें देखने को मिलती है। कलर ऑप्शन जो है इसमें 9 देखने को मिल जाते हैं। कार की फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलईडी कनेक्टेड डीआरएल्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर इसमें मिलते हैं। बढ़िया से जो है इसमें हेडलैम्प्स हमें देखने को मिल जाते हैं। काफी बढ़िया जो है लुक इसका फ्रंट साइड से हमें देखने को मिलता है। काफी फ्यूचरिस्टिक कार हमें देखने को मिल जाती है। इस कार का फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो कार की लेंथ काफी बड़ी हमें देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट 4435 mm की जो है हमें यहाँ पे इसकी लेंथ देखने को मिलती है। बढ़िया सी लेंथ की वजह से बढ़िया सा बूट स्पेस भी जो है हमें इसमें देखने को मिलता है। 16 इंचेस के जो है मशीन अलॉय व्हील्स हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक फोल्डेबल जो है ORVM हमें जो है इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। ORVM पे जो है आपको इंडिकेटर का जो है ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे डोर हैंडल जो है सिल्वर कलर में काफी बढ़िया इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इसकी रेयर प्रोफाइल की तो रेयर प्रोफाइल में आप देख सकते हो कनेक्टेड टेल लैंप हमें पीछे की साइड में देखने को मिलेंगे। इसके अंदर डिफॉगर हमें देखने को मिलेगा लेकिन वॉशर और वाइपर हमें इसमें नहीं मिलता है दोस्तों। वेरना की बढ़िया सी बैजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। बूट स्पेस की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 528 लीटर का जो है हमें इसके अंदर बूट स्पेस देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा बूट स्पेस हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। फ्यूल टैंक की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 45 लीटर का जो है फ्यूल टैंक हमें जो है इसके अंदर देखने को मिल जाता है। गाइस, कार के इंटीरियर की बात करेंगे तो एक बढ़िया सा स्टीयरिंग व्हील हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मल्टी फंक्शनल यहाँ पे जो है हमें बहुत सारे फंक्शन जो है देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप जो है क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पे सेट कर सकते हो और सेंटर में बढ़िया सा हुंडई का लोगो हमें देखने को मिल जाएगा। उसी में जो है हॉर्न का सेटअप हमें देखने को मिल जाता है। सामने जो है हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसमें देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे बढ़िया सी एक इंफोटेनमेंट की स्क्रीन दी गई है और यहाँ पे आप देख सकते हो डुअल टोन कलर में जो है हमें यहाँ पे इसका ओवरऑल डैशबोर्ड हमें देखने को मिल जाता है। और साइड में जो है यहाँ पे नीचे की साइड में एक बढ़िया सी लाइटिंग हमें देखने को मिल जाती है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही बढ़िया सा जो है यहाँ पे लाइटिंग सेटअप हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे सनरूफ के सारे कंट्रोल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे लाइट का ऑप्शन दिया गया है, लाइट ऑन एंड ऑफ का। ऊपर के साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे जो है बढ़िया सा सनरूफ भी दिया गया है और यहाँ से अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से इसको आप ओपन भी कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल जो है ये ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी जो है इसको क्लोज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। क्लोज करने के बाद में यहाँ पे जो है इसको पूरी तरह से क्लोज करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अभी जो है ये क्लोज हो चुका है। और पीछे के साइड में बात करेंगे तो यहाँ पे भी रीडिंग लैंप जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। इस साइड हमें जो है एसी के सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही एडवांस लेवल की जो है कार हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे फ्रंट साइड में हमें वेंटिलेटेड सीट जो है देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे जो है हमें वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो आप जो है आपका मोबाइल विदाउट वायर का जो है चार्ज कर सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे जो है राइट साइड में डोर में हमें सारे विंडोज़ के कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे जो है लॉक अनलॉक का भी ऑप्शन दिया गया है। आप ORVM भी जो है यहीं से इसके क्लोज भी कर सकते हो, जैसे कि बटन पर आप देख सकते हो हमने जो है इसको क्लोज दिया है। अगर इसको ओपन करना है तो आपको सेम बटन प्रेस करना रहेगा, ये ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे भी जो है इसका मिरर एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है। और ओवरऑल गाड़ी का जो गाड़ी अंदर से बोलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है और बहुत ही हाई क्लास जो है कार हमें देखने को मिल जाती है। इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लग्जरी हमें जो है कार देखने को मिल जाती है। डोर के राइट साइड में जो है हमें यहाँ पे बॉटल होल्डर भी दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा सफिशियंट स्पेस हमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कार का इंटीरियर बहुत ही बढ़िया है,
एक्सटीरियर तो हमने बात कर ली है, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट की कार हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आई होप सो गाइज, दी गई जाए सारी जानकारी जो है आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो गाइज, ऐसे बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड किए गए हैं, अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो उन वीडियोस को भी जरूर वॉच करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।